हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। देखिए, हमारे बेबी किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज हम आपके लिए बहुत ही खास रेसिपी लेकर आए जो है सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी, वो है टमाटो सूप। इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए जान लेते हैं। ये देखिए 50 ग्राम सूप, जो सूप का पैकेट हमने मंगा करके रखा हुआ, और ये 50 ग्राम आरोरूट, ये काला नमक, और ये बटर मक्खन, ये 2 हरी मिर्च और 2 ही लहसुन की पोथियाँ छिली हुई। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैस पर कढ़ाई रखते हैं और इसमें मक्खन डालते हैं। और देखिए, इसके बाद हम इसमें आरारोट डालते हैं, इसको थोड़ा ब्राउन करते हैं। इसको अच्छे से घुमाते हैं और बिल्कुल बाजार जैसा सूप आप घर पर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसको अच्छे से फ्राई करना, ऐसे घुमाते रहिए ताकि इसमें गांठ ना बने। अब देखिए, हमारा आरारोट ब्राउन हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालते हैं। इसको अच्छे से घुमाते रहिए ऐसे, और बिल्कुल होटल जैसा सूप इतनी आसानी से बन जाता है। देखिए, इसको अच्छे से घुमाइए ताकि गांठ ना पड़े। और देखिए, जब तक हमारा ये आरारोट उबलता है तब तक हम सूप घोल लेते हैं। इसको ऐसे बर्तन में डालते हैं। अब इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालते हैं। इसको चम्मच के साथ अच्छे से ऐसे हिलाते हैं ताकि बिल्कुल घुल जाए। अब देखिए, हमारा सूप बिल्कुल घुल चुका है। अब हम इसको कढ़ाई में डालते हैं और इसको अच्छे से फेंट कर देते हैं ऐसे। और जब तक इसमें उबाल आता है, और देखिए, अब हम इसमें थोड़ा काला नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। इसमें काला नमक ही डलता है, वैसा नमक बिल्कुल नहीं डलता। और जब तक ये पकता है, हम लहसुन और हरी मिर्च को पीस लेते हैं, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं डाली जाती। अगर लाल मिर्च डालते हैं तो वो गले में लगती हैं। अब देखिए, 2 लाल मिर्च डंडी तोड़ करके इसमें डालते हैं, और 2 लहसुन की पोथी, ये देखिए 2 हरी मिर्च और 2 लहसुन की पोथी छील कर डालते हैं। अब इनको हम थोड़ा कूट लेते हैं। अब ये लहसुन हरी मिर्च बारीक हो चुके हैं। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा पानी डाल देते हैं। अब इसको छलनी में से छान लेते हैं ऐसे, ताकि इसके बीज ना गिरे, बीज अलग हो जाए ऐसे। अब इसको सूप के अंदर डाल देते हैं। अब इसको घुमाते हैं और देखिए, बिल्कुल होटल जैसा सूप हमारा बिल्कुल तैयार है। देखिए, इसमें एक उबाल डालने के बाद हम इसको फिर परोसने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
और देखिए हमारा सूप परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल होटल जैसा, कितनी आसानी से तैयार होता है। और एक घर पर ये ज़्यादा भी बनता है, क्योंकि बाजार से हम लेकर आते हैं होटल से, वो बिल्कुल थोड़ा होता है। अब क्या करते हैं, पहले हम इस कटोरे में थोड़ा सा मक्खन डाल लेते हैं, बिल्कुल छोटा चम्मच, ताकि इसमें घुल जाए। परोसते हैं, अब ये देखिए जो ये हमने रस पीस लेकर के रखे हुए हैं टोस, अब हम इनको छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसे हमने करके रखे हुए हैं ऐसे तोड़ देते हैं। अब इनको ऐसे ऊपर से डालते हैं। अब चाहिए तो ब्रेड भी डाल सकते हैं फ्राई करके, ब्रेड हमने इसलिए नहीं डाले क्योंकि वो ज़्यादा ऑयल पीते हैं। और देखिए अब हमारा सूप बिल्कुल तैयार है, होटल जैसा। और आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माता दी।